हाय बिंदास, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे होंगे कि आज मैं इतने बड़े टेबल के साथ और ऐसे ड्रेस में किस तरह से बैठा हुआ हूँ, पर क्या करूँ, आज कुछ अलग से होने वाला है। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या चीज है। अभी आया है ये एमआई स्टोर से और मैं इसको अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, और इसके अंदर आप गैस लगाइए क्या चीज हो सकती है। एमआई स्टोर से आया है तो कुछ या तो वॉच होगी या फिर मोबाइल होगा, ये दोनों चीजें आप गैस लगा सकते हैं। पर आप चौंकिए मत, ज्यादा सस्पेंस में मैं नहीं ले जाता हूँ, मैं आपको सीधा उस मुद्दे पर चलते हैं। मुद्दा ये है कि एमआई स्टोर से मैंने मंगवाया है नॉट 6 प्रो, जो कि अभी इसे अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। इसके फीचर्स भी बताऊंगा और अनबॉक्सिंग भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसका कर लेता हूँ अनबॉक्सिंग, इसकी पॉलिथीन निकालूं कैसा है क्या है फिल करूं उसके बाद, और साथ में मैं इसके सारे हथियार भी ले करके बैठा हुआ हूँ जो मैं इसको खोल सकूं। जो लिखा है इंडियाज नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड एमआई और रेडमी नोट 6 प्रो, जिसका अभी मैं अनबॉक्सिंग किया और मैं इसे खोलना चाहता हूं। पर इससे पहले इसके बॉक्स पर क्या क्या चीजें दे रखी हैं वो आपको मैं बता दूं। रेडमी नोट 6 प्रो लिखा हुआ है, उसके नीचे ही लिखा हुआ 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट सेल्फी कैमरा साथ में मिलता है। 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल ड्यूल कैमरा आपको साथ में मिलता है। 6.26 आपको इसकी स्क्रीन मिलती है। और प्रोसेसर की बात करें भैया, तो प्रोसेसर आपको 636 यानी कि 636 स्नैपड्रैगन के साथ मिलता है। अब हम सीधा इसको खोलते हैं और यहां पर आपको बहुत ही अच्छी ढंग से खोलना पड़ेगा, और ज़्यादा जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा क्योंकि इसकी जो पैकिंग है बहुत ही अच्छी तरीके से। ओ माय गॉड, रेडमी नोट 6 प्रो कुछ इस तरीके से दिखता है, और आप इसे खोलते हैं तो ये रेड कलर में, रेड कलर कितना प्यारा दिख रहा है, सेक्सी सा दिख रहा है। और इसके ऊपर भी बता दूं आपको, 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट सेल्फी ड्यूल सेल्फी कैमरा साथ में है। 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल ड्यूल कैमरा 1.3 है, लार्ज पिक्सलाइजर पर ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस के साथ। 9.9 फुल स्क्रीन डिस्प्ले जो 15.9 cm 6.26 FHD के साथ, और उसके साथ है स्नैपड्रैगन 636 यानी कि स्नैपड्रैगन 636, 14 nm ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ आपको मिलता है। तो ये भैया इतने फीचर्स हैं इसके साथ। और इसकी जो बैटरी की बात करें, बैटरी 4000 mAh है, तो इनफ हो गई ना आपके लिए। आप पबजी खेलें, आप फेसबुक पे बैठे हैं, आप व्हाट्सएप पे बैठे हैं, 4000 mAh तो इनफ हो गई आपके। अब देखते हैं हम बॉक्स में कंपनी ने क्या क्या दे रखा है। पर इसकी मुझे अब जरूरत नहीं तो इसको मैं साइड में रख लेता हूँ, इसकी भी मुझे जरूरत नहीं तो उसको मैं साइड में रख लेता हूँ, और सीधा चलता हूँ बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें आई हुई हैं। तो मोस्टली बॉक्स में आप जानते हैं एक इसकी यूजर गाइड तो देता ही है, और ये कुछ इस तरह इसकी पैकिंग के अंदर। यहाँ पर आपको यूएसबी चार्जर मिला है जो कि फास्ट चार्जिंग में सपोर्ट करता है, इस तरीके का यूएसबी चार्जर है। साथ में आपको यूएसबी कोड मिली हुई है जो चार्जिंग में सपोर्ट करती है, और इसके साथ कुछ भी नहीं दे रखा है। जहाँ तक हम इसकी बॉक्स की बात करें तो इसके अंदर हम खोलने के बाद बता सकते हैं कि क्या क्या अंदर है इसके अंदर। इसके पीछे का जो इसका लेमिनेटेड जो कवर आता है, जो आप जान सकते हैं इसके पीछे जो सैमसंग भी दे रखता है हमेशा, और अभी उसने देना स्टार्ट कर दिया है, इसी तरह का आपको कवर मिलता है जिसे बैक कवर कहा जाता है। वो बैक कवर इसके साथ हमें कंपनी ने दिया है, इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। उसके साथ हम सीधे चलते हैं तो ये कुछ ऐसी यूज़र गाइड। आप चाहें तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो या फिर आपकी चाइनीज़ अच्छी हो, कुछ भी लैंग्वेज अच्छी हो तो आप समझ में आती हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं, तो इसको भी हम साथ में रखते थे। कुछ इस तरह से हमें कंपनी ने ये चीज़ें दी हैं।
आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास चार्जर आ गया, मेरे पास इसकी कोड आ गई, मेरे पास बैक कवर आ गया, यूजर गाइड आ गई, बहुत सारी चीजें आ गई, पर आपके दिमाग में कुछ ऐसी बात आ रही होगी कि ईयरफोन नहीं आया। तो एक बात बता दूं आप लोगों को कि एमआई कभी अपना बॉक्स के अंदर ईयरफोन नहीं देता, आपको अलग से परचेस करना होता है, इसीलिए एमआई के किसी भी पीस के साथ ईयरफोन नहीं आता है। जहां तक मैंने अनबॉक्सिंग की है एमआई के पीस की तो कभी भी ईयरफोन नहीं आया है। तो फाइनली ये बात तय कर लो कि आपके एमआई के पीस के साथ आपको अलग से परचेज करना होगा, ईयरफोन नहीं आएगा। आपकी संतुष्टि के लिए मैं बता दूं, आपको अगर देखना है तो बॉक्स खोलने से पहले आप यहां पर इसके सारे फीचर्स को जान सकते हैं, आप इसकी यूजर गाइड के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एडेप्टर 1, यूएसबी केबल 1, सिम इजेक्ट टूल 1, यूजर गाइड 1, वारंटी कार्ड 1 और क्लियर सॉफ्ट केसेस 1। ये जो जो चीज कंपनी देती है वो यहाँ पर मेंशन कर लेती है, इसीलिए आप इसको पहले चेक कर लीजिए, ऐसे ही मत खोल दीजिए, क्योंकि अगर बाय द वे आप कंफ्यूज हो गए तो यार भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी। और आपको जिस कलर में मंगाया है वो कलर का नाम भी यहाँ पर मेंशन होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है Redmi Note 6 Pro Red, तो बस इतना आपको ध्यान में रखना ही है। और रेट के बारे में भी आपको दे रखा है यहाँ पर, MRP इसने लिखी हुई है 17,999, पर हमें पड़ा ये 15,999 में, जो कि हमने ऑर्डर किया था MI स्टोर पे। अब हम सीधे चलते हैं, कुछ इस तरीके से दिखेगा इसका डिस्प्ले, इस तरीके से हम सीधे कैमरे पे चलते हैं। एक बात बता दूं, कैमरे के फर्स्ट बार जब आप इसको करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन में जाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से कैमरा स्टार्ट होगा। इसका जो पहले नोट 5 का जो कैमरा था वो सोनी का दिया हुआ था, पर अब नोट 6 का जो कैमरा है वो सैमसंग का है, और सैमसंग का जब कैमरा लगता है भैया तो आपका मोबाइल बहुत ही स्मार्ट हो जाता है। आप उसके कैमरे के बारे में तो जानते ही हैं। कुछ इस तरीके से मैंने इसे स्टार्ट किया और देख करके बताता हूँ, उसका पिक लेकर के बताता हूँ ये कैसा दिखेगा, क्या है। ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और इस तरीके से कुछ इसका रिजल्ट है। अब तक की कैमरे की बात करें, इसका कैमरा कितना हाई रेजोल्यूशन में हो सकता है वो आप इस वीडियो को देख करके पता लगा सकते हैं, जो कि मैं अभी शूट कर रहा हूँ नॉट MI Note 6 Pro से। ये जो वीडियो है वो MI Note 6 Pro से बना हुआ वीडियो है, और आप देख सकते हैं जो कि मैं सेल्फी कैमरे से ये वीडियो लिया है। अगर ये इतना साफ हो सकता है तो भैया कुछ तो दम है, तो आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वो कुछ मैं नहीं बोलूंगा, आपके ऊपर है। पर आप इसके रिजल्ट और फीचर्स को देखते हुए आपको मेरा मन कहता है कि आपको ये ले लेना है। वीडियो लिया था वो लो लाइट में लिया था, और मैं बाहर आ गया अपना टेरिस पे, और टेरिस पे आने के बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपको लाइटिंग अच्छा मिलेगा यहाँ पर, और कितना रिजोल्यूशन इसका साफ है, यहाँ तक कि मैं इसे अच्छी तरीके से देख पा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल आप सोच ही समझ सकते हैं बिल्कुल कि ये लेना है कि नहीं।
कुछ इस तरीके से मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया, आपको सारे फीचर्स के बारे में बताया, आपको कैसे आपका सिम कार्ड आपका लग रहा है वो सारी चीजें बता दी आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपको रेट के बारे में बता दिया, हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में रेट भी इसकी लिख दूंगा, और मैंने इसे परचेस किया सीधा एमआई स्टोर से और ये आया भी एमआई स्टोर से। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है और आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।